अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद और आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 10 का आफ्टर वन मंथ। एक्चुअली मुझे इस फोन को यूज़ किया हुआ एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि यार क्या आपको ये फोन कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको किसी और फोन की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन से रिलेटेड पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्मार्टफोन के रिव्यूज़, फोन की कैमरा टेस्टिंग, गेमिंग टेस्टिंग और इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। फोन का रिव्यू स्टार्ट करेंगे उस चीज़ से जो कि Xiaomi ने इस दफ़ा अपनी नोट सीरीज़ के अंदर नहीं की थी, और वो नई चीज़ ये थी कि Xiaomi ने पहली दफ़ा नोट सीरीज़ के अंदर AMOLED डिस्प्ले इंट्रोड्यूस कराया। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार Xiaomi ने ना बस ऐसे ही कोई चीप किस्म का डिस्प्ले डाल दिया होगा और बस लिख के लगा दिया कि भाई सुपर AMOLED डिस्प्ले है, ये वो है। काफ़ी सारे लोगों को ना यकीन नहीं आ रहा, काफ़ी जगह सोशल मीडिया पे कह रहे होते कि यार चीप क्वालिटी का डिस्प्ले होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो डिस्प्ले है वो इसका मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट है इस फोन का, और वो है इसका डिस्प्ले। क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है, अगर आप ब्राइटनेस की बात करें, अगर आप इसमें धूप में यूज़ कर रहे हैं, आप इंडोर यूज़ कर रहे हैं, आपको फुल ब्राइट किस्म का डिस्प्ले मिलेगा। आई थिंक 1000 या 1100 पीक निट्स ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की, तो आपको ब्राइटनेस के हवाले से कोई इशू नहीं आएगा। आपको इसके कलर वगैरह के हवाले से कोई इशू नहीं आएगा। आप अगर HD मूवीज़ या HD कॉन्टेंट जो है इसके ऊपर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डिस्प्ले का जो सीन है मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इस फ़ोन के हवाले से, क्योंकि यार डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा एक चीप किस्म का डिस्प्ले है। डेफिनेटली इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी का। बिल्ड क्वालिटी का सीन ये है कि शुरू में जो है ये फ़ोन आया था और उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह आए थे जो लोग इसको यूं करके तोड़ रहे थे, और उसका सीन ये कि यार एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, मैंने इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है, और कवर लगाने की वजह है कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। मतलब जैसे मैं कवर हटाऊंगा ना और यूज़ करूंगा तो पूरा इसका बैक जो है गंदा हो जाता है, क्योंकि बैक इसकी प्लास्टिक की है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास है, उसकी जो फ्रेम वगैरह है ये सब चीज़ें प्लास्टिक की है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है जितने आपको सोशल मीडिया पे लोगों ने दिखाया है फोन तोड़ तोड़ के, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक महीने से यूज़ कर रहा हूं या मेरा तो सही चल रहा है, मैंने इसको गिराया वराया तो नहीं है, लेकिन ये कि अभी तक इसके ऊपर ना डिस्प्ले के ऊपर इसका स्क्रैच आया है, ना इसके बैक के ऊपर कोई स्क्रैच आया है, ना कैमरा वगैरह जो है किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बिल्कुल अगर कवर निकाले तो ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में है। तो एक महीने की यूज़ करने के बाद तो भाई कोई ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार ये एक चीप क्वालिटी का फ़ोन बना हुआ है, चीप मटेरियल का बना हुआ है। प्राइस के हिसाब से जिस तरह से बनते हैं उस हिसाब से ये एक सही फ़ोन है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं अगर बात करूँ वो है इसकी स्पीकर क्वालिटी की। और मैं अगर ईयर पीस की बात करूँ तो यार अगर आप कॉल वगैरह करते हैं तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे सही से आवाज़ आती है, कोई इशू नहीं होता। और अगर मैं इनके स्टीरियो स्पीकर्स की बात करूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर है नीचे वाली साइड के ऊपर भी और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी, तो वो भी काफ़ी इसके कमाल है, आपको कोई इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता, काफ़ी लाउड है। और ये सीन ये है कि इसका जो नीचे वाला स्पीकर है वो तकरीबन आपको 70-80% आवाज़ यहाँ से आती है और थोड़ी सी आवाज़ जो है वो यहाँ से आती है। ये नहीं 50-50 वाला सीन नहीं है, थोड़ा आगे पीछे सीन हुआ है, लेकिन स्पीकर लाउड है तो उस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। माइक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त जो आप वीडियो में जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऑडियो जो है वो इस फ़ोन से फिलहाल रिकॉर्ड हो रही है, और इस वीडियो के अंदर जो भी ऑडियो होगी वो इस फ़ोन से ही आ रही होगी। यहाँ पे फैन भी चल रहा है तो हो सकता है मैं इसमें से नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह का कुछ करके नॉइज़ वगैरह हटा दूँ, लेकिन बाकी जो इसके ऑडियो क्वालिटी है, अगर आप इस पर कुछ रिकॉर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। भाई फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फास्ट है। वो एक AMOLED डिस्प्ले है, साइड पे फिंगरप्रिंट है। मुझे खैर पर्सनली ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, काफ़ी सारे लोग जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पसंद करते हैं, उसकी वजह है कि काफ़ी फास्ट होते हैं। मैं पर्सनली इसे इसलिए प्रेफर नहीं करता साइड माउंटेड को, क्योंकि यार मैं सारा दिन काम कर रहा होता हूँ, मेरा फ़ोन यूँ पड़ा हुआ होता है, तो इन डिस्प्ले का सीन ये होता है कि आपका फ़ोन पड़ा हुआ है, आप बस पड़े पड़े ही अपना वो अनलॉक कर लेते हैं, लेकिन साइड माउंटेड का सीन ये होता है कि आपको उसे उठा के अनलॉक करना पड़ता है, वो एक अलग हेडेक है। खैर लेकिन एक पॉइंट ये है कि इसका फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी फास्ट है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ वो है इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर ये जो चिपसेट है वो थोड़ा सा अंडर पावर मुझे लगता है इस प्राइस के हिसाब से भी, और उसकी वजह है कि यार यहाँ पर एक AMOLED डिस्प्ले है। अब है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले भी दिया जाए और साथ में आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी दिया जाए, क्योंकि फिर प्राइस ये नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 678 और साथ में 4GB रैम है और 128GB स्टोरेज है। मैं अगर डे टू डे टास्क की बात करूँ ना, अगर आपको नॉर्मल सोशल मीडिया है, आप मतलब नॉर्मल वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, वो सब चीज़ आपके बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ चलेगी। गेमिंग की अगर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो गेमिंग का यह सीन है, अगर मैं पबजी की बात करूँ तो अगर आप TDM खेल रहे हैं तो TDM आपका बिल्कुल सही चलेगा।
अगर आप इनेंगल और सेनो को अगर मैप्स वगैरह खेल रहे हैं ना, तो वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा है तो फिर आपको फ्रेम ड्रॉप्स जो है डेफिनेटली मिलेंगे। मैप्स वगैरह के अंदर ये लैग करना शुरू कर देता है। कॉल ऑफ ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो यार, अगर आप मीडियम ग्राफिक्स पे खेलते हैं तो बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, अगर आप वेरी हाई ग्राफिक्स के ऊपर खेलते हैं तो तब आपको जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। मैंने इसका पबजी टेस्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट वगैरह सब किया है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यार, अगर आप एक एक्सट्रीम गेमर है, आप काफ़ी सीरियस गेमर हैं, तो तब तो कोशिश करें कि आप इसे कंसिडर ना करें। लेकिन अगर आप एक एवरेज गेमर है, आपने हफ्ते में दो तीन गेम खेल लिए, वीकेंड पे गेम्स खेल लिए, तो तब तो मतलब कोई इशू नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर अगर चार्जिंग और बैटरी की बात करूँ तो चार्जिंग और बैटरी का सीन ये है कि काफ़ी अच्छा है इसका। चार्जिंग जो है इसके अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि आपके फ़ोन को तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट से 1 घंटा 40 मिनट के दौरान फुल चार्ज कर लेती है। मतलब ये कि अगर आपकी बैटरी 30-40% है और आप 15-20 मिनट लगा लें तो आपका काम जो है निकल जाएगा। तो चार्जिंग के हवाले से काफ़ी अच्छा है, सुपर फास्ट चार्जिंग है। बैटरी के हवाले से ये सीन है कि यार, सारा दिन आप चला लेंगे तब भी इसकी बैटरी को आप किल नहीं कर सकते। मैं अगर आज की बात करूँ तो यार, अभी भी इसके अंदर 55% बैटरी बाकी है, और जबकि मैं इसे तकरीबन सुबह 9-10 बजे से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर आज के दिन में कोई गेमिंग वेमिंग नहीं खेली, लेकिन नॉर्मल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, स्काइप, ये सब चल रहा था, और 4G मेरा चल रहा था, और शाम के अंदर वाईफाई चल रहा था। तो अभी भी इसके अंदर 55% बैटरी अवेलेबल है, तो बैटरी के हवाले से भी बेटर है और चार्जिंग के हवाले से भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं इसे कैमरा की बात करूँ तो कैमरा जो है यहाँ पर इसका सीन ये है कि मैंने इसके पहले भी जो 10 दिन का रिव्यू किया था उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि इसका जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बुरा है। उसकी वजह है कि फ़ोन स्लो है, इसका जो कैमरा ऐप है वो स्लो, थोड़ी स्लो ओपन होती है, और पिक्चर जब आप लेते हैं तो वो थोड़ी सी प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए ब्लर होती है, फिर सही हो जाती है, और प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका। लेकिन इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब इसका जो पोर्ट्रेट मोड है मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसकी जो सेल्फी मोड है और इसके जो नॉर्मल कैमरा है, ये मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सैम्पल्स दिखा दूंगा। तो कैमरा जो है इसे काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। ये इस फ़ोन के Redmi Note 10 की जो है फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। और बीच में सीन ये सुना था कि इसकी जो फ्रंट कैमरे की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लैग करती है, लेकिन ये कि वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप खुद ही इसको जज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटी वगैरह, खैर अभी लाइट भी सही से लगी हुई है, तो उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं मिलती। फ्रंट के ऊपर ये 1080p के ऊपर वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा होता है, और मैं यहाँ पर जो आपको इसकी बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार फिलहाल जो क्वालिटी वगैरह है यार सही आ रही है वैसे तो। और वीडियो को जो ये वाला पार्ट है, ये मैं Redmi Note 10 के बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और ये बैक कैमरा से 1080 और 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है जिसपे सब वीडियो शूट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो क्वालिटी भी जज कर सकते हैं, मैंने आपको फ्रंट कैमरे की क्वालिटी दिखा दी होगी, और ये बैक कैमरे की क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, आप खुद ही जज कर लेके यार आपके हिसाब से कैसी है। अब वैसे तो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है इसके बैक कैमरे से भी। और बाकी ये कि ये 4K की भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है, 4K 30 FPS के ऊपर, जो 30 FPS के ऊपर भी, लेकिन जो है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है 1080 के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 1080 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। यार सॉफ्टवेयर सीन ये है कि MIUI 12 है, आप सबको पता है कि यार इसमें बग्स मौजूद है, या मैंने इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो भी की थी कि इसके अंदर कौन कौन से बग्स हैं। अगर मैं सरसरी आपको बताऊं तो व्हाट्सअप के अंदर एक बग ये है कि यार आपको मैसेज कोई और कर रहा होता है, नोटिफिकेशन किसी और के नाम से आ रहा होता है, अक्सर ये सीन हो जाता है। अब बीच में वॉलपेपर का थोड़ा सा इशू हुआ था, और इस तरह के 3-4 बग्स है, छोटे छोटे बग्स है, लेकिन ये कभी कभी ये होता है कि आपको बहुत अजीब सा लगते हैं वो बग्स, तो वो डेफिनेटली आप वीडियो देख ले, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से बग्स इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वो जो बग है वो फ़ोन के अंदर फॉल्ट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बेस है, जो कि सॉल्व हो सकता है अगर Xiaomi चाहे तो। उम्मीद तो ये है कि जो MIUI 12.5 आने वाला है उसके अंदर वो सारे बग्स वगैरह जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो देखते हैं कि वो कब आता है। आई थिंक मई के एंड में या मई के बीच में जो है कहीं पे MIUI 12.5 रिलीज़ होने वाला है, उससे जो है बग्स वगैरह सॉल्व हो जाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन उन बग्स के अलावा इस फ़ोन के अंदर कोई इतना इशू मुझे देखने को नहीं मिला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। गेमिंग के गेमर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी जो इसकी चीज़ें वो चाहे वो इसका डिस्प्ले है, बैटरी है, कैमरा है, चार्जिंग वगैरह, सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। तो ये था Redmi Note 10 का रिव्यू। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि यार आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने कोशिश की कि यार सारे पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, स्टिल मुझे मुझसे अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।